आ रहा हूँ गंदे BFX लेके आ रहा हूँ तुम सारी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे पानी फेरने। भाइयो हनुमान जी हैं ये हमारे भाई, यार तुझसे मना नहीं करा गया रोल करने के लिए है, शर्म नहीं आई तुझे ही करते हुए? तो हे गाइस इट्स मी धीरू मॉन्चेक और अभी हम थोड़ा टाइम में पीछे चलने वाले हैं। सो अभी से करीब करीब 20-25 साल पहले एक शो आता था टीवी पे जिसको फैमिली के सारे लोग मिलके देखते थे, बच्चे बूढ़े मम्मी पापा सब। वो टीवी हुआ करता था जिसके ऐसे दरवाजे खुलते थे आगे से। मैं जिस सीरियल की बात कर रहा हूँ वो है रामायण। अभी जस्ट मैंने आधा घंटा पहले एक थोड़ा सा एपिसोड देखा था, उसमें इंट्रो का जो म्यूजिक है वो प्ले हुआ था भाई, वो सुनते मुझे गूज़बम्स आ गए थे। सीताराम चरित अति पावन। रामायण टीवी सीरियल जो था वो बना था 1987 में, अभी से ऑलमोस्ट 35 साल पहले। देन 1993 में जापान एंड इंडिया ने मिलकर एक एनिमेटेड मूवी बनाई थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो भाई बहुत प्यारी थी। उसके बाद रामायण के जो काफी सारे इंडियन वर्जन भी आ रखे हैं जो टीवीज पे टेलीकास्ट हुए हैं, बहुत सारी एनिमेटेड और कार्टून मूवियां बनी हैं जो कि भाई सब देखने में बहुत डिसेंट लगती हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन 2022 में हमारे बॉलीवुड ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देख के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो आदि पुरुष नाम की एक मूवी आने वाली है जो रामायण पे बेस्ड है, तो उसका कल टीजर रिलीज हुआ और लोग उसे लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई, सबसे ज्यादा उसके BFX को लेके। दोस्तों मुझे तो कास्टिंग ही पसंद नहीं आई है, राम जी बना रखे हमारे प्रभास भैया जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और ऐसे दिखते थे राम जी जिनके चेहरे से नूर छलकता था, मासूमियत दिखती थी। दिखते थे कहना ठीक नहीं होगा, मतलब हमारे दिमाग में जो पिक्चराइजेशन है राम जी को लेके वो कुछ ऐसी है, लेकिन भाई इनको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तरुण गिल की कोई मैगी चुरा के ले गया हो, और भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है। अरे काइंड मास्टर से करेंगे भाई, BFX कैसे लग रहे हैं, अजीब अजीब से हवा में कैसे लटक लिया भाई ये तो बताओ। न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय। न्याय भाई ये एप्सों के साथ क्या अन्याय कर रहा है, ये इस सीरियल तो भाई के एप्स लगते हैं। शर्म करो भगवान से भाई, ये चल क्या रहा है भाई, देख के लग ही नहीं रहा है किसी बड़ी मूवी का ट्रेलर है क्या, ये 250 रुपए के ग्रीन स्क्रीन के पर्दे पे शूट करिए क्या? आयो यार मेरा ये वाला पर्दा ले जाते यार तुम, इस पे इससे अच्छा BFX हो जाता। ये तो दोस्तों मैंने जोक मार दिया, लेकिन सिर्फ ग्रीन स्क्रीन की बात नहीं है, लाइटिंग एडिटिंग भाई पूरा कार्टूनिस्ट लग रहा मेरे को तो देखने में, मेरे को मजा नहीं आ रही है भाई बिल्कुल भी। प्रैंक प्रैंक कर रहे हो क्या तुम, कुछ मुझे ये बताओ मूवी का जो बजट है वो 500 करोड़ है, 500 करोड़ सुन के और इस मूवी के BFX देखने के बाद भाई मुझे नागिन सीरियल के BFX ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। What a song baby song by Norvex sound DJ Max। तो ये है हमारा रावण। अरे मुझे ये बताओ कौन से जावेद हबीब से बाल कटवा के आया भाई, ये इतना मॉडर्न लग रहा है। फीलिंग बैड फॉर रावण दोस्तों। शर्म करो भगवान से डर। रावण से याद आया भाई 2012 में आई थी रावण मूवी, इसके BFX और CGI देख के मुझे वो अच्छी लगने लगी है अभी भाई, दोनों कंपेयर करोगे उसका BFX अभी भी इससे अच्छा लगेगा। ये भाई ऐसा दिखता था रावण, ये क्या बवासीर बना दिया है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने भाई। ये जो रावण है ना ये हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन है यार, मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा थोड़ा ये सब बोलने में, ठीक है नहीं बोलते हैं ना ज्यादा कुछ ओके, बट यार ये लोग को भाई ने बनाते हुए नहीं लग रहा है। अरे ये तुम्हारे रावण ने कौन सा छपरी स्कूल ऑफ टिकटोकिया ज्वाइन कर रखा दोस्त, आगे नीली खड़े बाल अमेरिका का दलाल। ओ भाई मारो मुझे भाई, ये कौन सा रहता है भाई, भाई पता नहीं यार कौन सा पापा का परा पेश करना चाह रहे हैं। भाई रथ उड़ते हुए देखे हमने तो पुरानी रामायण में भी, ऐसा भी होता होगा चलो ठीक है तुमने इमेजिन कर लिया, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर है मान लेते हैं, लेकिन भाई अच्छा तो बनाओ इसे, कैसा अजीब सा लग रहा भाई, चिंगादड़ पे बिठा के लिया था इससे अच्छा तो चिंगादड़ ही है क्या, चिंगादड़ का मुंह थे ना भाई, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अबे अगर रावण को उसका ये वाला रूप दिखा दिया ना तो 10 के 10 सिरों से गाली बक के जाएगा, वो भी संस्कृत में। अबे इस रावण को देख के हंस के चला जाएगा, कोई डरने की तो तुम बात ही छोड़ो। सर कुचल ले। कोई नहीं दोस्तों गेम चल रहा, गेम वीडियो गेम है ये, अच्छा जस्ट टी सीरीज वाले मिलके ये वो PS5 के लिए निकाल रहे ओके, PC वानर सेना को गोरिल्ला सेना बना दिया। मतलब हनुमान जी बना दिए ऐसे और पूरी बानर सेना दिख रही है ऐसी, मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही, मैं चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। आ रहा हूँ गंदे BFX लेके आ रहा हूँ तुम सारी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे पानी फेरने। मैं बोलना तो कुछ और चाहता था, मेरे व्यूअर समझ गए होंगे लेकिन नहीं बोलेंगे, थोड़ी रिस्पेक्ट रखेंगे दोस्तों।
भाइयों हनुमान जी हैं ये हमारे। भाई यार तुझसे मना नहीं करा गया रोल करने के लिए, हैं शर्म नहीं आई तुझे ये करते हुए? माज गलती वहां बैठे वहां कह देता मैं नहीं बैठ रहा हूँ फिट भाई, किसी और को ले लो। ये भाइयों ये सुग्रीव जी हैं क्या? है बताओ यार क्या से क्या बना दिया इन्हें, बुरा फील हो रहा है। अरे जब हनुमान जी ऐसे बनाए तो फिर ये ऐसे क्यों, इनको भी इंसान दिखाते थोड़ा। टेंपल रन चल रहा है। अच्छा ना भाई नहीं आ रहा मजा एकदम भी यार। अभी देखो मैं ना तुम्हें पुरानी रामायण का छोटा सा सीन दिखाता हूँ दोस्तों, अभी से कितने साल पुरानी, वो देख के भाई तुम्हें फीलिंग्स आ जाएंगी यार अलग ही, तुम्हारा मन सा खुश हो जाएगा। भाई ये इंट्रो भाई देखना कितने रियलिस्टिक से भी ये फेक्स लग रहे हैं, ये इससे तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। रियलिस्टिक नहीं मतलब अच्छा लग रहा मुझे देखने में। लेकिन नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है, लगता है हम गोदावरी के पास आ गए। हाँ लक्ष्मण। वो क्या है? आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर दोस्तों कि ये BFX है या फिर पीछे पर्दा यूज किया जाता था पहले, पर बहुत सी जगह पे BFX यूज कर देते रामायण, वो तीर वीर नहीं जाते थे भाई, वही उठा के बना देते यार, सेम वैसे ही कर देते तुम, हम उसी में खुश हो जाते। अब तुम कहोगे सालों नाली के कीड़े हो तुम, तुम्हें वही पसंद आता है, हम कुछ अलग बना रहे हैं मॉडर्न वे में बना रहे हैं कुछ, वो मत देख लेना। क्रिटिसाइज करने आ गए, मुंह उठा के 4 पैसे का कैमरा उठा के 2 पैसे का माइक उठा के अपना। ना भाई ठीक है, हम नाली के कीड़े ही सही है, लेकिन दिस इज गोल्ड एंड दिस इज प्योर शिट। आई एम अ मुस्लिम बट माई होल फैमिली लव रामायण, जय श्री राम। भाई बहुत बहुत प्योर सी फीलिंग है यार रामायण। स्पॉइलर अलर्ट, इसमें लास्ट में सैफ अली खान मर जाता है, मैंने देख लिया। हाँ भाई देखो सुनो, हमें भाई पूरी रामायण पता है, स्टोरी पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, अब जस्ट कुछ हमें एक अलग देखना था, लेकिन वो अलग अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कुछ भी उठा के बना दोगे भाई। भाई सैफ अली खान को सब बना दोगे क्या? बैटमैन का फूफा, थैनोस का चचा, सब प्रभास से ज्यादा फील लिए हमारे सैफ अली भैया ने, जो तुम इन पे इतना प्रेशर डाल रहे हो, सारा काम इन्हीं से करा रहे हो, टिटोगिया बना रहे हो इन्हें। देखते भाई आगे क्या और ये करते हैं, अभी तो टीजर ही था, टीजर में इतना दिमाग खराब हो गया। भाई पहले भी बहुत सारी रामायण बनी है, जो पहले टीवी पे आती थी, उसके बाद में भी टीवी सीरियल्स वालों ने उसको नया बनाया है अदर कैरेक्टर्स के साथ, और एनिमेटेड मूवी बहुत सारी है, बट ये जो बना रहे हैं अब, ये भाई सबसे बुरी है देख के जो लग रही है। बाकी देखते हैं और क्या होता है, खत्म करते हैं, वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करो।